मित्रों, आज हम लोग इन हॉस्पिटल डायबिटीज़ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यह जानेंगे कि एक बार हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जो हम यूजुअली पेशेंट की डायबिटीज़ केयर का ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, उनमें क्या क्या शॉर्टकमिंग्स रह सकती हैं और हमको उनको किस प्रकार से ओवरकम करना चाहिए। इसको हम लोग एक केस डिस्कशन के माध्यम से समझते हैं। एक 69 ईयर ओल्ड मेल जिसको 13 साल से डायबिटीज, साथ में हाइपरटेंशन और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एमआई रहा है, वह ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लेते हुए 8 मिलीग्राम ग्लिमेप्राइड, 2000 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन, 30 मिलीग्राम पैरामिडाजोल लेते हुए भी 171 और 283 फास्टिंग और पीपी ब्लड ग्लूकोज के साथ इमरजेंसी में दिखाने आए। डायग्नोज किया गया कि उनको एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस विथ कोलीलिथियासिस है और उनको जब हॉस्पिटलाइजेशन के समय उनकी ब्लड शुगर 316 मिलीग्राम परसेंट निकली, अब उनको एडमिट किया गया और यह प्लान किया गया कि उनकी आगे कोलेसिस्टेक्टमी कराई जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग में कोलेसिस्टेक्टमी प्लान करके उनको एज यूजुअल स्लाइडिंग स्केल ऑफ इंसुलिन पर रखा गया, जिसमें यह कहा गया कि 150 मिलीग्राम परसेंट से कम अगर शुगर रहती है तो कोई प्लेन इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन नहीं दी जाएगी। 150 टू 200 मिलीग्राम परसेंट रहने पर 4 यूनिट, 200 से 250 8 यूनिट, 250 से 300 12 यूनिट और 300 से 350 पे 16 यूनिट्स, 350 से अबव रहने पे 20 यूनिट्स। यह प्लेन इंसुलिन उनको 6 आवरली ब्लड ग्लूकोज चार्टिंग के अनुसार लगाई जाएगी। आइए देखते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन के बाद उनका ब्लड ग्लूकोज किस प्रकार से वेरी किया। हम देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में डे जीरो पर 6 पीएम एट द टाइम ऑफ एडमिशन उनका 316 था, जिसको देखकर स्लाइडिंग स्केल के अनुसार उनको 16 यूनिट रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन दी गई। जब 11 पीएम पे सोते समय दोबारा टेस्ट किया गया, इट वॉज 276। स्लाइडिंग स्केल के अनुसार उनको 12 यूनिट प्लेन इंसुलिन दोबारा दी गई। परंतु रात में पेशेंट ने कुछ डिस्कम्फर्ट की कंप्लेन की। जब उसकी रात के 3 बजे ब्लड शुगर चेक हुई तो यह केवल 87 मिलीग्राम परसेंट निकली। अब 87 शुगर देखकर उनको 10% डेक्सट्रोज दिया गया और मॉर्निंग में जब ब्लड शुगर देखी तो ये 312 मिलीग्राम परसेंट थी। अब मॉर्निंग में तो कोलेसिस्टेक्टमी प्लान कर रखी थी, इतनी हाई ग्लूकोज लेवल पे वह संभव नहीं था, इसलिए उनको स्लाइडिंग स्केल के अनुसार 16 यूनिट प्लेन इंसुलिन देकर सर्जरी पोस्टपोन की गई। 12 ओ क्लॉक ग्लूकोज वॉज 281, अगेन 12 यूनिट्स दिया गया। 6 पीएम पे जब ब्लड ग्लूकोज टेस्ट किया तो ये 134 मिलीग्राम परसेंट निकला। सब लोग काफ़ी रिलैक्स थे कि ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल आ रही है, स्लाइडिंग स्केल के अनुसार कोई इंसुलिन देने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कोई इंसुलिन दी नहीं गई। लेकिन जब रात में 11 बजे ब्लड ग्लूकोज की तो इट वॉज अगेन 387 देख के स्लाइडिंग स्केल के अनुसार 20 यूनिट्स दिया। क्योंकि पहले दिन 3 एएम पे उसको ब्लड शुगर लो हुई थी, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ था, इसलिए आज भी प्रिकॉशनरली 3 ओ क्लॉक शुगर देखी, वो 163 मिली, थोड़ी सी हाई थी, इसलिए 4 यूनिट्स प्लेन इंसुलिन दे दिए। परंतु मॉर्निंग में ब्लड ग्लूकोज केवल 75 निकली। अब ब्लड ग्लूकोज 75 थी, उस पर कोई प्लेन इंसुलिन देने की आवश्यकता नहीं थी, नॉर्मल लेवल में है, थोड़ा लोअर साइड में है, 5% डेक्सट्रोज स्टार्ट करके और उसकी उसकी सर्जरी परफॉर्म कर दी गई। 12 ओ क्लॉक पे ब्लड ग्लूकोज लेवल वॉज 369, 20 यूनिट्स प्लेन इंसुलिन दिया। परंतु 3 पीएम पे फिर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हुआ और ब्लड ग्लूकोज केवल 73 निकली। डिस्कम्फर्ट चलता रहा तो उसको जब एग्जामिन किया गया, ईसीजी की गई तो दिखा अगेन ही लैंडेड अप इन एक्यूट एमआई। 6 ओ क्लॉक ब्लड शुगर वॉज 294, 12 यूनिट्स। 11 ओ क्लॉक ब्लड शुगर 302, प्लेन इंसुलिन 16 यूनिट्स। मिडनाइट दोबारा उस पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज लो हो गई 45 मिलीग्राम परसेंट, 10% डेक्सट्रोज देके उसको रिकवर किया गया। मॉर्निंग ब्लड ग्लूकोज 238 मिलीग्राम परसेंट, फिर प्लेन इंसुलिन। 12 ओ क्लॉक 217, फिर प्लेन इंसुलिन। 6 ओ क्लॉक 232, फिर प्लेन इंसुलिन।
लेकिन 8 PM पे फिर उसको कंप्लेंट्स हुई, देखा 73 mg/cm केवल। 10% डेक्सट्रोज देके उसको कंफर्टेबल किया गया। 11 o'clock 298, 3 AM 154, 4 यूनिट्स इंसुलिन रात में दी गई, मॉर्निंग अगेन 63। तो आप देख सकते हैं कि इस 4 दिनों में पेशेंट को काफ़ी हाइपर ग्लाइसेमिक एपिसोड्स हुए, 300-250 mg/cm से ऊपर। और जब जब हम लोगों ने उसमें इंसुलिन देके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की तो ये देखा गया कई बार इस पूरे एपिसोड में वो 6 बार हाइपोग्लाइसीमिया उसको हुआ, जिसके लिए 10% डेक्सट्रोज देना पड़ा। सर्जरी तो हो नहीं पाई 4.5 डेज के एडमिशन के बाद भी, लेकिन एक्यूट MI एक बार दोबारा हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए हम लोग इसको एनालाइज करते हैं कि इसके मैनेजमेंट में कहां कहां क्या क्या कमियां रह गई। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लगभग 4 दिनों के हॉस्पिटल स्टे के बाद भी पेशेंट के ग्लाइसेमिक फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा रहे, मल्टीपल हाइपोग्लाइसेमिक स्पेल्स हुए। एक वैल्यू हमने नॉर्मल देख के सर्जरी उसकी कर दी, लेकिन सर्जरी के बाद भी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हमारे लेवाइल ही रहे और एक्यूट MI और हो गया। तो मित्रों, इस प्रकार हम देख सकते हैं जिस पेशेंट को हम अपने कन्वेंशनल स्लाइडिंग स्केल ऑफ इंसुलिन पर रखते हैं, पेशेंट एडमिट हुआ, हमने उसके हिसाब से एक स्केल बनाया कि इतनी ब्लड शुगर लेवल पे इतनी कन्वेंशनल शॉर्ट एक्टिंग रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन दी जाएगी, और इस हिसाब से जब हम पेशेंट को मैनेज करते हैं तो हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में ये अप्रोच क्या है? इसको हम कहते हैं नो एक्शन ओनली रिएक्शन। मतलब हमने देखा ब्लड शुगर कितनी हुई और उस ब्लड शुगर लेवल के अनुसार हमने उसको रिएक्टिव अप्रोच लेते हुए हमने उसको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रिस्क्राइब की। तो इस प्रकार जो होना था वो हो गया, और उसको करेक्ट करने के लिए हम बाद में उसका एक रिएक्शन ले रहे हैं। एक और कमी, हमने कभी ये मुड़ के नहीं देखा कि पिछले दिन क्या हुआ था, पहले दिन उसको कितनी इंसुलिन दी गई, उसका रिस्पॉन्स कैसा था, उसको हाइपर कब हुआ, उसको हाइपो कब हुआ, हमने कभी भी इस चीज को संज्ञान में नहीं लिया। तीसरा फैक्टर, हमने कभी इस बात का ध्यान नहीं दिया कि पेशेंट ने खाना कब खाया, क्योंकि हमने अपने रेजिम में ये लिखा था कि 6 hourly ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग होनी है। सिस्टर ने घड़ी देखी, उसने आई शुगर टेस्ट किया और जितनी इंसुलिन की जरूरत थी वो लगा दी। 6 AM पे मॉर्निंग 6 o'clock शुगर देख के इंसुलिन दी जा रही है, 6 o'clock पे पेशेंट खाना नहीं खा रहा, ब्रेकफास्ट नहीं ले रहा, हद से हद वो एक चाय और बिस्किट ले लेगा। सिमिलरली 12 बजे और शाम को 6 बजे वो लंच और डिनर नहीं कर रहा, और हम इंसुलिन उसको उस समय दे रहे हैं, खाना किसी और समय दिया जा रहा है। जो हम ब्लड शुगर टेस्ट करें उसका खाने से कोई भी रिलेशन हम नहीं रख रहे। तो इस प्रकार से जब पेशेंट नील ओढ़ली चल रहा है, सर्जरी के लिए प्लान किया गया है, उसको हम ओढ़ली नहीं दे रहे, तब भी हम उसको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के सबकुटेनियस इंजेक्शन दे रहे हैं, जिसका इफेक्ट इस तरह से पीक करके और फिर वो फॉल करता है। तो आखिर हमें करना क्या चाहिए? जैसे ये पेशेंट था जो नील ओढ़ली रखा गया था, इसको हम किस प्रकार से मैनेज करें? याद रखें, जब भी हम ऐसे पेशेंट को सबकुटेनियस प्लेन इंसुलिन दे रहे हैं तो प्लेन इंसुलिन का कर्व हमेशा एक पीक देगा, जो कि ऑलमोस्ट 1/2 hour पे स्टार्ट एक्ट करना शुरू करेगी इंसुलिन, 2-4 hours पे उसकी पीक आएगी, और फिर 6-8 hours तक उसका इफेक्ट थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। यह पीक इंसुलिन एक नील ओढ़ली पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, इसलिए ऐसे पेशेंट्स के लिए आइडियल रेजीम है कि हम उनको IV इंसुलिन इन्फ्यूजन दें, नॉर्मल सलाइन में या DNS में, आइसोलाइट M में, किसी भी प्रकार से। और यह इंसुलिन इन्फ्यूजन हम कभी भी उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने पर उसको इन्फ्यूजन रेट बढ़ा सकते हैं, ग्लूकोज लेवल कम होने पर उसका इन्फ्यूजन रेट घटा सकते हैं। तो इन्फ्यूजन रेट को घटा के या बढ़ा के हम उसकी शुगर को बेहतर तरह से मैनेज कर सकते हैं, जो कि इंस्टेंटेनियसली काम करना शुरू करेगी, और जैसे ही आवश्यकता होगी वैसे ही हम उसको कम करेंगे और उसका एक्शन कम होने लग जाएगा। याद रहे,
आईवी इंसुलिन। एक बार इंसुलिन सर्कुलेशन में जब पहुंचती है उसकी हाफ लाइफ केवल 4 मिनट होती है। तो 4 मिनट का मतलब वो मैक्सिमम 10 to 12 मिनट्स तक वो काम करेगी। तो अगर हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल कभी फॉल भी कर रहा है, हमने इंसुलिन इन्फ्यूजन कम किया या बंद भी किया, तो 10 मिनट के अंदर इंसुलिन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, वो परसिस्ट नहीं करेगा। इसी प्रकार अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हुआ, हमने इंसुलिन इन्फ्यूजन बढ़ाया, तो इमिडिएटली उसका एक्शन भी आरंभ हो जाएगा। तो निल ओनली पेशेंट में, हॉस्पिटलाइज पेशेंट में, सीरियसली इल पेशेंट में हमें इंसुलिन इन्फ्यूजन सबसे अच्छा तरीका है किसी पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करने का। इसका एक एडवांटेज और भी है, हम पिछले दिन का एक एवरेज इंसुलिन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि आखिर इस पर्टिकुलर पेशेंट में पिछले दिन कितनी इंसुलिन की आवश्यकता पड़ी, और उससे हम अगले दिन का इंसुलिन इन्फ्यूजन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मित्रों, स्लाइडिंग स्केल ऑफ इंसुलिन जिस तरह से हम लोग प्रयोग में लाते हैं हॉस्पिटल्स में, उसके अनेकों लिमिटेशंस हैं। यह एक रिएक्शनरी अप्रोच है, ब्लड ग्लूकोज कम हुआ इंसुलिन कम कर दी, ज़्यादा हुआ इंसुलिन बढ़ा दी, पीछे की शुगर लेवल देख के हमने काम किया, हमने आगे क्या होगा कैसा हो सकता है उसका कोई प्रिडिक्शन नहीं किया। जब हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तब हम उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंसुलिन दे रहे हैं, पहले से प्लान नहीं कर रहे, हम न्यूट्रिशन को ध्यान में नहीं रख रहे कि कब पेशेंट भोजन लेगा और उसके डायरनल वेरिएशंस कम होंगे। याद करिए, इस पेशेंट को रात के 3 बजे शुगर देखी गई और हाइपरग्लाइसीमिया देख के हमने उसको प्लेन इंसुलिन दे दी, क्या उसने रात में 3 बजे कुछ भोजन लिया? जब हम 3 बजे उसको, जब उसके पेट में कुछ भी नहीं है, निरोली पेशेंट था, जब हम उस समय उसको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दे रहे हैं, तो क्या हम उसको प्रोवोक नहीं कर रहे कि 3-4 घंटे बाद उसको हाइपोग्लाइसीमिया होगा? और ऐसा ही उसमें हुआ। फिर से देखिए, हमने इस पेशेंट में 16, 18, 20 यूनिट इंसुलिन भी एक बार में यूज किए, जो कि बहुत ही नॉन फिजियोलॉजिकल, बहुत लार्ज डोजेस ऑफ इंसुलिन है। इनसे हमेशा ब्लड शुगर लेवल यो फ्लक्चुएट करता रहा, हमारी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का इफेक्ट यो हाई हुआ फिर यो फॉल किया। इसको कभी भी हमने एक प्रोलॉन्ग और कॉन्स्टेंट एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दे के सपोर्ट करने की कोशिश नहीं की। यह स्लाइडिंग स्केल ऑफ इंसुलिन की सबसे बड़ी कमी थी। आइए इस पिछले केस से कुछ सबक लेते हुए हम लोग एक दूसरे केस को समझते हैं। इस सेकंड केस, जो कि एक एल्डरली मेल है, 59 ईयर ओल्ड मेल, यह भी लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज का, 21 ईयर्स की डायबिटीज विद ओबेसिटी एंड सिस्टमिक हाइपरटेंशन, यह एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ सीओपीडी के साथ एडमिट हुआ। इसकी भी फास्टिंग और पीपी ब्लड ग्लूकोज 211/370/60 ग्रॉसली अनकंट्रोल्ड, ग्लिबेनक्लामाइड मैक्सिमम डोजेस 20 मिलीग्राम पर डे का, एचबीए1सी वाज 9.8%। तो ग्रॉसली अनकंट्रोल्ड पेशेंट, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ सीओपीडी, आइए इसका मैनेजमेंट हम लोग सीखते हैं और समझते हैं। इस पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान लिखते समय एक बात को संज्ञान में लिया गया कि हमें इसको एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन सपोर्ट देना है। तो यह प्लान किया गया 8 यूनिट ऑफ ग्लार्जिन, इसको बेड टाइम प्रिस्क्राइब की गई, ये दी जाएगी, और उसके साथ हम इसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट करेंगे और स्लाइडिंग स्केल प्रिस्क्राइब किया गया। ध्यान दीजिए, इस पेशेंट के स्लाइडिंग स्केल में जो हम प्रीवियस स्लाइडिंग स्केल से कंपेयर करें तो बहुत स्मॉल डोजेज ऑफ इंसुलिन यूज की जा रही है, 200-250 mg% शुगर पे 6 यूनिट्स, जबकि पहले हमने 8 यूनिट प्रेस्क्राइब की थी, 250-300 में 8 यूनिट्स, जबकि पहले 12 यूनिट्स थी, 300-350 में 10 यूनिट्स, जबकि पहले 16 यूनिट्स थी, और सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया 350 एंड अबव में 12 यूनिट्स, जबकि पहले हम 20 यूनिट्स हमने प्रेस्क्राइब की थी। तो इस प्रकार से हमने कंपेटिबली स्मॉलर डोजेज ऑफ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का ये एक स्लाइडिंग स्केल बनाया और साथ में एक सप्लीमेंटल लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन सपोर्ट इस पेशेंट को दिया। आइए देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स इस पेशेंट में मिलता है। जब इस पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज लेवल चार्टिंग प्रेस्क्राइब की गई तो यह इस बात को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया गया कि यह ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग पेशेंट की मील्स के हिसाब से होगी।
अर्थात ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के पहले, प्री ब्रेकफास्ट, प्री लंच, प्री डिनर, एक बार बेड टाइम पेशेंट की सेफ्टी देखने के लिए, और अगर आवश्यकता हो, क्योंकि पेशेंट को विंडाइट हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है जिस पेशेंट को हम पहली बार इंसुलिन सपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए रात 3 o'clock पर। देखिए डे वन पर मॉर्निंग 243 जिस पर 6 यूनिट रेगुलर इंसुलिन दी गई, प्री लंच 201 जिस पे 6 यूनिट इंसुलिन दी गई, प्री डिनर 286 जिस पे 8 यूनिट इंसुलिन दी गई। यह हमने अपने स्लाइडिंग स्केल के अनुसार इसको दिया। बेड टाइम 8 यूनिट ग्लार्जिन दी गई। ब्लड ग्लूकोज लेवल 265 था बेड टाइम पर, लेकिन हमने कोई भी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन नहीं दी क्योंकि इस समय पेशेंट कोई मील नहीं ले रहा। मिडनाइट 3 o'clock चेक किया, इट वॉज 217, सिग्निफिकेंटली हाई है, लेकिन पेशेंट को कुछ मील्स नहीं लेनी, इसलिए हमने आज पहले दिन कोई शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन इस समय भी नहीं दी। अब डे टू का ब्लड ग्लूकोज लेवल डिस्कस करते हैं। मॉर्निंग ग्लूकोज लेवल 198 था, सिग्निफिकेंटली हाई है। हमने पहले दिन देखा कि जब हमने उसको 6 यूनिट्स ब्रेकफास्ट में, 6 यूनिट्स लंच में दिया, तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा फॉल नहीं किया। सारे प्री ब्रेकफास्ट, प्री लंच, प्री डिनर 200 प्लस ही रहे, तो आज हमने इसको 2 यूनिट्स बढ़ाकर 8 यूनिट्स या अपने इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल को रिवाइज किया, और हमने उसको 8 यूनिट मॉर्निंग, 8 यूनिट बिफोर लंच ये दिया, और प्री डिनर में 8 की जगह 10 यूनिट्स दिया क्योंकि प्रीवियस डे बेड टाइम ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा था। तो डे टू पे हमने उसको 8 और 10 यूनिट्स प्लेन इंसुलिन दी प्रीवियस डे के ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के आधार पर, प्रीवियस लेवल की इंसुलिन का एक्शन देखते हुए। बेड टाइम ब्लड ग्लूकोज 197 थी। अब हमें लेना था लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। हम जानते हैं कि ग्लार्जिन बेड टाइम देने पे 24 आवर काम करती है और फास्टिंग ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है। हमने देखा फास्टिंग लेवल 198 था, हाई था, इसलिए आज हमने ग्लार्जिन 8 की जगह 10 यूनिट्स प्रेस्क्राइब की। मिडनाइट 3 o'clock देखा, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हुआ, और नेक्स्ट मॉर्निंग ब्लड ग्लूकोज लेवल रिलेटिवली बेटर थी, 159। प्रीवियस डे का हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स प्री लंच, प्री डिनर ज़्यादा थे, परंतु आज हमारा जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है वह केवल 159 ही है प्रीवियस डे के 198 के कंपेरिजन में। तो आज हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आज जो इंसुलिन कल काम अच्छा नहीं कर रही थी, शायद आज हमें ग्लूकोज लेवल उससे बेटर कंट्रोल मिले क्योंकि ग्लार्जिन का सपोर्ट और आ रहा है। इसलिए आज हमने इसके प्लेन इंसुलिन को मॉर्निंग में 8 यूनिट्स ही दिया। हम देखते हैं प्री लंच 198 रहा, ठीक है, तो इसका मतलब अभी हमें सिग्निफिकेंट इफेक्ट उतना नहीं मिला जितना हम प्रिज्यूम कर रहे थे, इसलिए हमने अब उसको 10 यूनिट्स शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दी। प्री डिनर 177 था। हमने पहले दिन से देखा कि पहले दिन 10 यूनिट्स इंसुलिन प्री डिनर दिया था, लेकिन बेड टाइम 197 था। आज हमने इसलिए 12 यूनिट्स इंसुलिन दिया, फिर बेड टाइम देखा 171। अब ग्लार्जिन की डोजेस हमें देनी है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के आधार पे, इस समय जो बेड टाइम आया उसके आधार पर नहीं। इसलिए हमने देखा कि फास्टिंग हमारी डे 3 में 159 थी जो कि ज़्यादा थी, इसलिए हमने आज की ग्लार्जिन को 10 की जगह 12 यूनिट्स दिया। अब ध्यान दें कि 171 बेड टाइम ब्लड ग्लूकोज लेवल होते हुए भी हम ग्लार्जिन की डोज को बढ़ा रहे हैं क्योंकि ग्लार्जिन फास्टिंग ग्लूकोज को कंट्रोल करेगी। मिडनाइट 3 o'clock पे ब्लड ग्लूकोज 128 थी और नेक्स्ट मॉर्निंग फास्टिंग ग्लूकोज हमारी काफ़ी बेहतर 139 आ गई। जब ब्लड फास्टिंग शुगर हमारी काफ़ी बहतर है, आज हमने इसका पोस्ट प्रांडियल प्लान किया और पोस्ट प्रांडियल वैल्यू आज इसकी हमें 187 मिलीग्राम परसेंट मिली रोज की 8 यूनिट इंसुलिन देते हुए। तो मित्रों, हम इस केस को देख के हम ये सीख रहे हैं कि सेम जो ट्रीटमेंट था, जो हम स्लाइडिंग स्केल हम पहले केस में भी यूज़ कर रहे थे, स्लाइडिंग स्केल दूसरे केस में भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस स्लाइडिंग स्केल में प्रीवियस के कंपेरिजन में कुछ डिफरेंसेस थे। आइए उनको हम समझते हैं।
तो इस केस के मैनेजमेंट में जो डिफरेंसेस थे, सबसे बड़ा तो यह कि ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग हमने क्लॉक के हिसाब से ना करके मील्स के हिसाब से की, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर। इंसुलिन डोजेज जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की हमने यूज़ की, वो बहुत लार्ज डोजेज में ना यूज़ करके रिलेटिवली स्मॉल डोजेज में की, जिससे एक मेजर फ्लक्चुएशंस ना मिले। हमने अपने शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की स्लाइडिंग स्केल को प्रीवियस डे के एक्सपीरियंस के अनुसार चेंज किया। हमने देखा फर्स्ट डे 6 यूनिट से काम नहीं चला, तो नेक्स्ट डे उसको 8 यूनिट्स दिया उन्हीं ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पे। हमने देखा 8 यूनिट्स पे इफेक्ट कम अच्छा आया, तो नेक्स्ट डे हमने उसको 10 यूनिट्स किया उसी इंसुलिन क्वांटाइल में देखते हुए। इसके अतिरिक्त हमने एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ एडिशनली इस्तेमाल किया, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन सपोर्ट का ग्लार्जिन एट बेड टाइम। तो इस प्रकार से हमने रेट्रोस्पेक्टिव लर्निंग तो की कि प्रीवियस डे में क्या हुआ था, उसके अनुसार हम नेक्स्ट डे क्या करें। तो प्रीवियस रेट्रोस्पेक्टिव डे के हिसाब से आगे का प्रोस्पेक्टिव हमने प्लान रोज रिवाइज किया। पहले केस में हमने एक स्लाइडिंग स्केल पे बना दिया, उसी पे हम चलते चले जा रहे थे, लेकिन इस केस में हम रोज प्रीवियस डे के एक्सपीरियंस के आधार पर अपने स्लाइडिंग स्केल को रिवाइज करते रहे। स्लाइडिंग स्केल की जो हमारा कन्वेंशनल स्लाइडिंग स्केल है उसके ऊपर एक एडिशनल एडवांटेज रहा। तो मित्रों, यह था एक मॉडिफाइड स्लाइडिंग स्केल जिसमें हम एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन सपोर्ट ले रहे हैं, स्मॉल डोजेज ऑफ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन यूज कर रहे हैं, इसको मील के अनुसार यूज कर रहे हैं, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, और प्रीवियस डे एक्सपीरियंस के साथ डेली अपना स्लाइडिंग स्केल रिवाइज कर रहे हैं। यही अंतर है इस मॉडिफाइड स्लाइडिंग स्केल ऑफ इंसुलिन में अपने कन्वेंशनल स्लाइडिंग स्केल ऑफ इंसुलिन पर। धन्यवाद।